दोस्तों फाइनली मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे हूँ और यहाँ पे मैं गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ और गूगल क्रोम के अंदर जो यूट्यूब का जो पेज जो ओपन हुआ है वो न्यू स्टूडियो के अंदर में ओपन हुआ है, यानी कि ये क्लासिक वर्जन नहीं है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। उसके साथ आप ध्यान से देखेंगे तो आप जो चीज इस वीडियो में बता रहा हूँ वो अपने चैनल के अंदर में अप्लाई कर सकेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा चैनल का डैशबोर्ड यहाँ पे सामने ओपन हुआ है और आपको यहाँ पे अपना वीडियो के अंदर जाना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 10 मिनट्स मिनिमम 10 मिनट्स की वीडियो है, उसके ऊपर आप मल्टीपल एड आप लगा सकते हो, या 10 मिनट से अगर ज्यादा का बड़ी वीडियो है तो वहां पे भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रिसेंटली एक वीडियो को अपलोड किया था जो अभी फाइनली यहाँ पे ना तो शेड्यूल किया हुआ है ना ही अभी ये पब्लिश है। तो ये वीडियो फिलहाल प्राइवेट के अंदर में ऑटोमेटिकली, मतलब आप जब भी न्यू वर्किंग यानी कि वीटा स्टूडियो के अंदर में आप कोई भी वीडियो आप अपलोड करते हो वो ऑटोमेटिकली वो प्राइवेट ही रहता है। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट करना की जरूरत नहीं है, ये प्राइवेट होता है। जब आप लास्ट में जाएंगे ना तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे आप शेड्यूल में आप जो भी करना चाहते हो वो आप शेड्यूल कर सकते हो। चाहे आप प्राइवेट करना पब्लिश करना चाहे या अनलिस्टेड करना चाहे या प्राइवेट करना चाहे, फिलहाल ये वीडियो जो होता है यहाँ पे प्राइवेट में ही होता है। तो चलो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना वीडियो के टाइटल है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, ये है मेरा वीडियो का टाइटल और यहाँ पे इस वीडियो का थोड़ा सा अबाउट लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा दिखाता हूँ, ये सब टैग डाला हुआ है और टैग के बाद बाकी सब कमन। अब बात आती है मोनेटाइजेशन की। मोनेटाइजेशन में दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये 10 मिनट से ऊपर की वीडियो है, यानी 12 मिनट समथिंग कुछ मिनट का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये डिस्प्ले एड्स, ओवरले एड्स, स्पॉन्सर कार्ड्स और स्किपल एड्स, वीडियो एड्स और नॉन स्किपल वीडियो एड्स, ये सारे ऑटोमेटिकली ये क्लिक हो चुके हैं। उसके बाद बिफोर वीडियो, वीडियो शुरू होने से पहले और वीडियो के बीच बीच में और यहाँ पे आफ्टर वीडियो, ये कुछ भी यहाँ पे मार्क नहीं है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको आफ्टर वीडियो में भी यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको लिख के आ रहा है कि प्लेस मैन्युअली, यानी कि यहाँ पे आप अपने वीडियो के अंदर में आप अलग से भी ऐड डाल सकते हो। तो ये सारे ऐड तो यहाँ पे ऑटोमेटिक, अगर ये वीडियो अगर 10 मिनट से बड़ा है तो ये सब ऑटोमेटिकली यहाँ तक ये आपको मिल जाते हैं। उसके बाद ये प्लेस वीडियो यानी कि प्लेस मैन्युअली, आपको यहाँ पे अपने मन से आप चाहे तो अपने वीडियो के अंदर अलग अलग जगहों पे यानी कि हर 2 मिनट पे 3 मिनट पे आप ऐड लगा सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐड लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो ऊपर में आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे लाइन दिख रहा है आपको, प्लेस ऑटोमेटिकली यानी कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, अब ये देखना है कि आपको कितना देर के बाद पहला ऐड आपकी वीडियो का आना चाहिए। तो ये 12 मिनट 28 सेकेंड की वीडियो है, आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये 12 मिनट 28 सेकेंड की, सॉरी हाँ 12 मिनट 28 सेकंड की वीडियो है। तो आपको चलो यहाँ पे अपन ऐड लगा के देखते हैं। तो पहला जो मेरा ऐड है वो 2 मिनट पे होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो है अब मैं टाइमलाइन यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितना कितना देर के बाद आपके जो ऐड है वो लग रहे हैं। तो चलो फटाफट 2 मिनट पे मैं पहला ऐड लगाता हूँ। तो 2 मिनट पे ज्यादा वीडियो के अंदर ऐड भी लगाना अच्छी बात नहीं होती है, देखने वाले आदमी को बोरिंग फील होता है और फिर वीडियो स्किप करके बाहर आता है। तो ज्यादा भी ऐड नहीं लगाना, लगाना चाहे तो 1 मिनट में भी लगा सकते हो, लेकिन नहीं ऐसा नहीं करना है, मिनिमम 2 मिनट्स ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा अगर कम से कम हमें 2 मिनट्स और ज्यादा से ज्यादा अगर एक आप 10 मिनट के ओवर का वीडियो है, अगर 12 मिनट की वीडियो है तो आप 4 ऐड लगा दो तो अच्छी बात है, देखने वाले को थोड़ा सा अच्छा लगेगा लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यूट्यूबर अक्सर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऐड यूज कर लेते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में 2-2 मिनट के अंदर में मैं ऐड लगा के देखता हूँ और ये 2 मिनट के ही मैक्सिमम 2 मिनट ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पे बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइमलाइन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपने यहाँ पे टाइमलाइन सिलेक्ट कर दिया 2 मिनट, ये यहाँ पे टाइमलाइन का स्केल है आप ये देख पा रहे हो और यहाँ पे ये 2 मिनट में ये हुआ है। अब सिर्फ देख आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे ये ऐड एक आ गया। ओके, उसके बाद अपन फिर 2 मिनट यानी 2+2=4 यानी कि मैं 4 मिनट के में दूसरा ऐड यहाँ पे लगाऊंगा। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो दूसरा 4 मिनट। तो फिर से यहाँ पे आपको ऐड पे सिर्फ क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली ये लग गया। ओके, दूसरा, अब तीसरा जो है वो 6 मिनट में रहेगा।
तो यहाँ पे 6 मिनट में आपको फिर से क्लिक कर देना है। इससे ज्यादा आप कोशिश करें कि ना लगाएं। अब ये यहां पे हो गया, उसके बाद में यहां पे आप दोस्तों कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके वीडियो के अंदर आपने ऐड को मैन्युअली आप अपने ऐड को लगा चुके हैं, मोनेटाइजेशन वीडियो एलिमेंट्स और यहां पे एबिलिटीज पे क्लिक करके, विजिबिलिटीज पे क्लिक करके अब आपको क्या करना है यहां पे, यहां पे अगर आप पब्लिक करना चाहते हो तो आप यहां पे पब्लिक कर सकते हो, यहां पे अनलिस्टेड में रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो, और प्राइवेट में रखना चाहते हो तो प्राइवेट रख सकते हो, या यहां पे आप शेड्यूल करना चाहते हो तो अपने वीडियो को शेड्यूल भी कर सकते हो। तो फिलहाल मेरी हर वीडियो शेड्यूल ही रहती है क्योंकि मेरे सुबह के वीडियो आते हैं और उतना सुबह अपने से उठना मुमकिन नहीं है। तो चलो मैं फटाफट यहां पे 1 मार्च यानी कि ये 1 मार्च को वीडियो आएगी सुबह में, ठीक है, तो 1 मार्च कर दिया। उसके बाद में आप यहां पे कितने टाइम में आता है वीडियो, तो वैसे बाकी दिन तो सुबह को 8 बजे आता है लेकिन मैं सुबह 7 बजे, संडे है इसलिए सुबह को 7 बजे मैंने कर दिया। अब यहां पे फाइनली अब शेड्यूल पे आपको यहां पे क्लिक कर देना है, यहां पे शेड्यूल पे क्लिक करना है और ये वीडियो यहां पे देखो दोस्तों शेड्यूल हो चुका है। अब यहां पे देख रहे हो योर वीडियो विल बी सेंड टू पब्लिक ऑन March 1, 2027 AM यानी सुबह को 7 बजे ये वीडियो आ जाएगी और पब्लिक हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना ताकि हमारे आने वाले वीडियो जो है आप देख पाएं। और बस किसी और वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।